Star. You have the best answers. जैसे कि आप ट्रेलर्स में देख रहे हैं कि ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें सस्पेंस भी है, थोड़ा सा एक सुपरनैचुरल सिनेरियो भी है. तो एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, इंटरेस्टिंग प्लॉट है और 24 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है. तो सनी एंड मी हैव डन सम इंटरेस्टिंग वर्क इन दैट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट जितना मज़ा हमको फिल्म में काम करते वक्त आया आपको देखने में मज़ा आएगा. जैसा कि टैगलाइन की बात की जाए, लव लव बिगन, उसका क्या उससे क्या रिलेट कर पाएगा उस चीज से? लव व्हाट? लव बिगिंस. सर्च फॉर लव बिगिंस. सर्च फॉर लव बिगिंस. तेरा इंतजार जो टाइटल है वो इस यही सजेस्ट कर रहा है कि इस फिल्म के अंदर एक स्टेज के ऊपर जो सनी का कैरेक्टर है, जो जिसका नाम रौनक है फिल्म के अंदर, वो एक मेरे कैरेक्टर को ढूंढ रहा है. बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो बिजनेस मैन का कैरेक्टर है जो एक थोड़ा सा पेंटिंग में भी इंटरेस्ट लेता है और उसके जहन में एक ऐसी लड़की है जो जिसकी वो तस्वीर उतारता है पेंटिंग के ज़रिए और जब वो पेंटिंग कंप्लीट होती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल सनी जैसी मिलती है एंड उसको ढूंढने के चक्कर में लगा रहता है कि कभी किसी वक्त मेरी ड्रीम गर्ल उसे मिल जाए और वो मिल जाती है उसको और फिर वो उस लड़की को दिखाता है कि देखो आओ देखो मेरी दिस इज़ व्हाट आई यूज़ टू ड्रॉ एंड वो उनको भी बड़ा शौक होता है बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स ऑब्वियसली वो भी एक आर्ट गैलरी की ओनर है और इनके बीच में एक दोस्ती शुरू हो जाती है, एक रोमांस शुरू हो जाता है और जब रोमांस शुरू हो जाता है तब मेरा कैरेक्टर जो है मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और क्योंकि वो इतने प्यार में है इस कैरेक्टर से तो उसको ढूंढने लगती है और उसका इंतज़ार करती है और कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं वो किसी भी हालत में मिल जाए. तो इस वजह से द सर्च फॉर लव बिगिंस. सो व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ द फिल्म? हर बॉस. For me, it's her boss. जैसे कि आपने बताया कि एक पेंटर का कैरेक्टर जो है आपका ऑन स्क्रीन, तो असल जिंदगी में आप कितनी पेंटिंग, सलमान तो बहुत पेंटिंग करते हैं, आप कितनी पेंटिंग करते हैं? नहीं, मैं पेंटिंग को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मेरे में इतना फ्लेयर और टैलेंट नहीं है वैसे पेंटिंग करने का, लेकिन इस किरदार के लिए थोड़ा सा मतलब सीखने की कोशिश की थी कि एक ब्रश को कैसे होल्ड किया जाता है, पेंट्स को कैसे मिक्स किया जाता है कैनवस वगैरह. सो थोड़ा सा बिकॉज इट वॉज अ कैरेक्टर दैट आई नीडेड टू, तो थोड़ा सा मेहनत की थी डायरेक्टर. सनी, वी हैव बीन सीइंग यू, आप हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, तो डिड यू टेक सम स्पेशल क्लासेस फॉर दैट? आई लव राइडिंग हॉर्सेस एंड मैंने बहुत लेसन्स लिए बहुत सालों पहले एंड जब भी मुझे मौका मिलता है टू राइड हॉर्स मैं करती हूँ. मैं बोलती हूँ कि हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ, चलो लेट्स गो लेट्स गो. दैट वे वो ना नहीं बोल सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी गई. सो आई लव इट एंड वो जो हॉर्स था मॉरिशस में इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी बिग हॉर्स, सो इट्स एक्साइटिंग. अरवाज, आप इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुके हो, आपके हिसाब से सबसे हॉट कौन है? बिकॉज़ यू नो आपको बहुत सारे जो मेरे पास बैठी है इस वक्त. क्या क्वेश्चन? राइट नाउ यस. थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, वो किस तरह की लड़की है, क्या कर रही है, उसको किस चीज का किसका इंतजार है? वाह वाह वाह, आपने तो बहुत वर्ल्ड क्लास सवाल पूछा. ऐसा सवाल तो किसी ने आज तक पूछा ही नहीं है. आवाज को क्या इंतजार है? पहले ये सवाल का जवाब दे, पहले सनी जवाब देगी. मेरा कैरेक्टर is a art gallery owner and she's always looking for new artists and new styles of paintings and all these things and that's when our boss character wo aata hai and bolta ki mere paas ek acha painting hai and it looks like you and aap ko dekhna padega and all these tells me all these things about it and then main haan bolti hu kyunki film hai and I go and I see it and that's when jab main wo painting dekhti hu that's when these two characters start getting to know each other and then pyar ho jata hai and then they're so madly in love and then ek din wo gayab ho jate hai. So my character mera character film mein she searches for her love and she gets help also in the film from somebody, from a medium to try and help kyunki usko malum nahi hai wo kahan gaya and you know when she searches for him everywhere and you'll have to see working with aap peeche aa jao aap udhar aa jao ya ek aise dekhna padta working with arbaz khan here
हम एक्चुअली डे वन से दोस्त बन गए एंड वो दोस्ती में हमने बहुत मस्ती किया एंड हमने बहुत बातें किए. आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम अरबाज एंड एज़ फार एज़ आवर कैरेक्टर्स गो वी आर वेरी प्रोफेशनल एंड जो भी डायरेक्टर को चाहिए था दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म हमने वो ही किया बिकॉज दैट्स what we agreed to from the very beginning. So but working mera favorite I'm actually shot ke beech tha kyunki hum haste the hum jokes ye sab masti aisa karte the situational jo hamare aas paas ho raha tha. So it was nice, he understood my sarcasm which was great, I understood his sarcasm and yeah we had a great time. Aap director producer ke pehle choice the ki Arbaaz Khan ko lead role mein lena hai ya सर? ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा. जब वो मेरे पास आए तो लाइक आई सेड हर एज एन एक्टर एवरीबडी डज फिल्म्स फॉर वेरियस रीजंस. समटाइम्स बिकॉज इट इज चैलेंजिंग सम रोल दैट देव नॉट डन और अ कैरेक्टर देव नॉट प्लेड और समबडी देव नॉट वर्कड विद. तो फॉर मी व्हाट वाज वेरी एक्साइटिंग वाज फर्स्टली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई गॉट टू प्ले अ रोमांटिक कैरेक्टर एंड देन व्हेन आई गॉट टू प्ले इट विद सनी ऑपोजिट मी it was like a matlab it was like a given ke mujhe karna hai. to yes so this was pretty much exciting for me kyunki ek har actor ki ek khwahish hoti hai kyunki maine kafi saal as a slightly negative ya actor with grey shades roles ya serious roles play kiye to suddenly mujhe ek is itne saalon ke baad ek muqam par aake mujhe ek aisa character mila ke but it's a very mature character that suited me. agar wo bahut zyada dance wance ye wo us type ka hota to shayad main khud mujhe I would have felt uncomfortable at this. so it's a slightly mature love story, it's a very khoobsurat kahani wala based love story hai and jo mujhe laga ki it's pretty apt aur ye I can suit into fit into this character and like I said wo mujhe exciting laga ki mujhe itne saalon baad ek interesting romantic lead role mila jo उसके बाद लाइक ऐसे सनी का होना दैट वाज लाइक अ गिवन के अभी मेरे को करना ही करना है. जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है आपका लीडर कोई भी प्रोजेक्ट आता है आपके पास या तो घर वालों का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? जैसे आप सलमान को बताते हैं हर बार जीरो फ्रॉम जीरो टू टेन जीरो पिक्चर में सलमान ने कुछ कहा था? बिल्कुल नहीं, वो पता ना जीरो जीरो में किसी का कोई से नहीं होता है. यहाँ लिबर्टी है हमारे घर में, सबको लिबर्टी है अपने प्रोफेशनल डिसीजंस खुद लेने की. इतना हमको पका के छोड़ा है इंडस्ट्री के अंदर कि आप अपने अच्छे बुरे डिसीजंस करियर डिसीजंस खुद लो. अब इसमें फ़ायदे भी होते हैं. बहुत से मेरे फादर बहुत सी चीज़ों में बिलीव करते हैं. बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं ना वो चाहते हैं कि आप खुद ही लो. जैसे जिससे आपको शादी करनी भैया आप लो. कल को मैंने आपको बोल दिया कि आप इससे शादी करो, आपकी शादी अच्छी नहीं गई, आप मुझे बोलोगे कि यार पापा तुमने मेरी शादी कराई थी. इसीलिए ज़िंदगी के डिसीजंस हैं. अब ये कुछ लोगों को समझ में आएंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे कि आई हैव एजुकेटेड यू टू मेक अ माइंड ऑफ योर ओन टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन, नॉट फॉर मी टू, बिकॉज आई विल नॉट बी देयर व्हेन यू लीडिंग मोस्ट ऑफ योर लाइफ. इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर then what are you going to rely on me all the time. to bachcho ko aise taiyar karo ki aap ho ya na ho wo apne decisions sahi bure acche bure khud hi le professional personal. to hamare father ka interference tabhi aata hai jab hum unke paas jate hain ki yaar ye kare nahi kare, to wo apni advice dete hain, fir bolte hain iske bawajood bhi tum wo karo jo tumko karna hai. wo ye nahi bolte ki jo abhi maine bol diya to tum wahi karo, tumne mujhse pucha ye mera opinion abhi iske baad tumko karna hai nahi karo tum khud karo. तो यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करता है कि आपने ये फिल्म क्यों की, आपने वो रोल क्यों किया, आपने इसके साथ क्यों काम किया, आपने उसके साथ क्यों काम किया. प्रोफेशनल डिसीजंस है, आपको उसका फ़ायदा या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा. अगर सेम टाइम जैसे कि आप एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जब नए डायरेक्टर आता है तो क्या कुछ इनपुट आप देते हैं एज एन डायरेक्टर? आप खुद ऑलरेडी मूव कर रहे हैं. एज एन एक्टर आई डोंट इंटरफेयर इन एनी डायरेक्टर्स वर्क, नॉट एज एन एक्टर. But as a producer, I've worked with new directors. Abhinav naye the, Abhishek Dogra naye the, main khud naya tha. So in my production, I have given breaks to 3 debutant directors, me included. So I have no problem with working with debutant people, directors, because they bring in a lot of excitement and energy. Particularly hamari film ke andar, jo director hai, wo bhi debutant director hai. Aur debutant directors ya jo log apna career shuru karte hai, unke andar ek alag kisam ka ek passion, enthusiasm aur sincerity hota hai. And
मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करने में, बिकॉज वो कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, उनके अंदर एनर्जी और उसमें एक्साइटमेंट बहुत है। अब वो चीज़ें कैसे मटीरियलाइज होती हैं या नहीं होती वो तो ऑडियंस के हाथ में है, लेकिन फिल्म के दौरान आपको यू नो यू आर इन गुड हैंड्स बिकॉज दैट पर्सन इज 10 times मोर, हिज करियर इज मोर एट स्टेक बिकॉज शी इज़ एस्टैब्लिश इन अवर ओन वे। आई हैव हैड अ करियर फॉर लाइक 20 years। अभी मुझे मेरी एक नरम गरम फिल्म से मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कल से मुझे कोई रोल मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई गेट माई वर्क कि ये रोल अरबाज सूट करता है, बुला लो उसको। बट अ नए डायरेक्टर को बहुत फ़र्क पड़ता है, जब उसका पहली फिल्म नहीं चलेगी तो उसके करियर पे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो समटाइम्स वेरी गुड टू रिलाई और ट्रस्ट समबडी एंड से बॉस यू टेक द मेंटल। हम दोनों ने यही किया कि यार एक हमारे पास एक डायरेक्टर है जिसका करियर स्टेक पे है, उस वो जो जैसे बोलेगा हम कठपुतलियाँ हैं, हम वो ही करेंगे जो डायरेक्टर बोलता है। हाँ, कहीं किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हमको लगे कि आर्ग्यू करने जैसा है या बात पे, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाते हैं। बट बाय एंड लार्ज वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस। हजरत, एक्टिंग के मामले में आपका ये साल बहुत अच्छा था, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, आपकी फिल्में लगातार दो दो तीन तीन महीने में रिलीज हुई, सनी के साथ आपकी दो फिल्में थी, अभी दो और आएंगी, दो और आने वाली हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग ईयर था और आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा है, जो फिल्में आपने शूट करनी हो कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखो, बीच में मैंने बिकॉज आई टर्न प्रोड्यूसर दबंग से, फिर दबंग टू ही, फिर डॉली की डोली, तो वो 3-4 साल का जो पीरियड था बिटवीन 2009 जहाँ शुरू हुई, 2010 में दबंग रिलीज हुई, टिल 2014 ये मैं अपनी फिल्म के प्रोडक्शन में बिजी था। तो मैंने एक्टिंग रोल्स मतलब ऑलमोस्ट लेना बंद भी कर दिए थे और मैं कर भी नहीं रहा था। उसके बाद मुझे हल्का सा ब्रेक मिला, मुझे मालूम था कि दबंग नेक्स्ट करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा समय है। मैंने बोला यार ये समय यूज़ कैसे करूँ, आई होप अभी कोई वापस से काम आना शुरू हो जाए। आई वॉज़ लकी, मुझे काम आना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, तो आई केप माई सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड। ना तो ये जो पीरियड होता है ना बिटवीन फिल्में शुरू करना, ये बड़ा मतलब डिप्रेसिंग होता है। अगर आप एज एन एक्टर आप बिजी रह चुके हो और फिर एज अ प्रोड्यूसर आपको 3-3 साल वेट करना पड़ता है, तो आई एम फॉर्चुनेट कि जब मैं फिल्म एज अ प्रोड्यूसर नहीं बनाता हूँ तो टचवुड मुझे एज एन एक्टर 2-3-4 रोल्स मिल जाते हैं जो मेरे साल चलाते हैं, यू नो गाड़ी चलती रहती है। बट आप सीरियसली मत लेना इनके डायलॉग, इन्होंने मुझे भी बोला है ऐसा नहीं, आई लव योर क्वेश्चन, डोंट गेट, अभी रात को ऐसे सोना सोते वक्त सोचना मत कि सनी ने बोला आई लव यू, मेरे साथ भी हुआ था ये। फिर सुबह इन्होंने मुझे बोला कि वो इतना सीरियसली ले रहा है। अच्छा, मतलब मैं हूँ ना हो, आपने तैयार कर ही दिया उनको, हाँ ये भी हो ना हो, मतलब आपने बोला आई यू रेडी, जैसे कि कंफर्म है आपको पता है। चलो इसके ऊपर शर्त हो जी। अरे ऐसे मत करो, नो ऐसे फिल्म को देखना, आई वुड लव टू हैव हर, लेट्स जस्ट put this matter straight. I will make it easier. Film ko dekhna, I will definitely, I am ready to watch it. Agar main us film mein hu ya nahi hu, that's, you know, in somebody else's hands. But we'll always we'll always remain friends. It's like I would say it's a collective, collective decision. But you never know what happens in the future. And no matter what happens, I'd rather have my friendship with him than put pressure on him saying, oh, you have to put me in your film. But that's not what friends do, right? Yeah, so. But I would love to if there's an opportunity. Like I said, I kind of know that if she does the film, like, dekho, jab Malaika ne film ki thi, tab Malaika ko bahut fayda hua tha. Kareena itni badi star hone ke baad bhi aap believe karoge ki wo gaane karne se Kareena ko bhi bahut recognition aur fayda hua. So whoever does the film, and particularly her, if she does it, I want her, I feel that, you know, it should suit her. She should be, it should benefit her and all of that. So we have to work, I have to see ki kya requirement hai us situation ki, wo gaane ki, ki kya character ki requirement hai us situation mein, kya kis kism ka person we want. I really don't know. Once that happens, if Sunny fits the bill, I'm just going to go for Sunny. So it's like, yeah. Sunny, then you don't refuse, huh? I'm not. I've already said yes. And I'm free. You just have to feed me. Being a Bollywood director, actor, jis tarah se abhi Sanjay Leela Bhansali sir ke saath
जो हो रहा है, जो वो फेस कर रहे हैं पिक्चर, उनकी पिक्चरों को पहले भी एक पिक्चर आई थी उन पर सॉफ्ट टारगेट किया गया था और अभी भी वैसा ही हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कितना गलत है? आई थिंक फिल्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कंट्री जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर किसी को किसी भी चीज़ पे इतराज़ है तो देर इज़ अ लॉफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. देर इज़ यू नो व्हाट आई मीन इज़ लाइक एक पहली बात तो जैसे एक सेंसर बोर्ड है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दे. आज तक कोई भी फिल्म मेरे नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में बिना सेंसर के तो रिलीज़ हुई नहीं है. वो डिसाइड करती है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करती है, सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बिलीव्स, जो भी है करके. तो वो एक वो बॉडी है जो एट दी एंड राइट रॉन्ग वट एवर इट इज़ दे डिसाइड. लेट देम डिसाइड फर्स्ट, लेट देम हैव अ इश्यू कि ये काटो ये नहीं काटो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. तो फिल्म मेकर्स फाइट विद दैट. हमको लड़ना पड़ता कभी भी हमारे फिल्मों के साथ कि ये डायलॉग चाहिए या ये मोमेंट चाहिए या ये इमोशन चाहिए. वो बताते हैं कि क्यों नहीं, उनके रीजंस भी देते हैं वो क्यों नहीं आप दे सकते हैं. पहले तो वहाँ से निकलने दो. वहाँ से जब निकल जाएगी और वो अगर पास करते हैं कि उनको अलाउड है देख द फिल्म रिलीज़ करना, तो एक हमने जिसको अपॉइंट किया उसने अलाउ किया, तो आपके ऊपर प्रेरोगेटिव है कि आप देखना चाहते हो फिल्म तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो. पहली बात तो ये. उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ों से शिकायतें हैं तो इस कंट्री में आप लॉ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना. सिंपल बात ये है. अगर उसमें कुछ है भी, अगर से फॉर इंस्टेंस जो आपके वर्क नहीं करती, देर इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, फाइट इट इन दैट. यू कॉन्ट टेक लॉ इन योर हैंड, यू कॉन्ट ब्रेक थिंग्स, यू कॉन्ट हर्ट पीपल, यू कॉन्ट. मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सनल फैमिली मेम्बर के साथ भी कोई अत्याचार करे या कोई मारे तो आपको तभी भी अलाउड नहीं कि आप जाके उनको मारो और बोलो कि भैया उसने मेरे फैमिली मेम्बर को मारा तो मैंने मार दिया, तो अभी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. तभी भी कोर्ट करेगा ना कि यार उसने किया लेकिन आपने क्यों किया, आपको फिर भी सज़ा होगी. तो यू स्टिल हैव टू फाइट इट इन कोर्ट, यू स्टिल हैव टू फॉलो द लॉ वेदर यू लाइक इट और नॉट. आई डोंट थिंक वॉट इज हैपनिंग इज इन द लॉफुल सिचुएशन, दैट्स माई ओनली थिंग. सेंसर बोर्ड में जाने से पहले पिक्चर करनी सेना को दिखाना सही रहेगा? आई डोंट नो एंड व्हाट आर यू सेइंग एग्जैक्टली? मतलब उनका मामला जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको फिल्म दिखाना चाहिए, सेंसर बोर्ड में जाने से सारी फैसले होनी चाहिए. वो पॉसिबल है. वो तो शायद उन्होंने शायद उनको वही तो चक्कर है कि बिना आप देखे, बिना आपको आईडिया है आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने तो देखी भी नहीं है. और शायद जब फिल्म रेडी हो जाएगी तो आई थिंक दिखा भी सकते हैं. एज अ फिल्म मेकर इफ आई फेल्ट के देयर वाज नथिंग, आई वुड शो द फिल्म कि भैया आपको इतराज़ है इस फिल्म से, आइए देखिए फिल्म, आपको किस चीज़ों का इतराज़ है. हमने तो और अगर लाइक आई सेड मे बी दे विल नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन, एंड इफ दे हैव एन ऑब्जेक्शन देन एज अ फिल्म मेकर यू स्टिल हैव द राइट टू से लिसन आई एम स्टिल गोइंग अहेड विद द फिल्म और व्हाट एवर इट इज, यू फाइट मी इन कोर्ट. वेल के हमारी फिल्म 13 इंतज़ार रिलीज़ होने वाली है 24 नवंबर को, एंड हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, इंटरेस्ट के साथ काम किया है. एक अलग किस्म की फिल्म है, थोड़ी सी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक स्पिरिट सुपरनैचुरल फॉर्म में भी चली जाती है मोमेंट्स के लिए. तो हम चाहते हैं कि जितना हमको इस फिल्म में काम करते हुए मज़ा आया, आपको देखने में मज़ा आया, तो आप प्लीज़ जाइए थिएटर्स में और फिल्म देखिए. Thank you. Bye.